कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का 101 प्रतिशत आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका और ठीक है आपको सेम टू सेम यही पेपर मिलने वाला पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है हम जो आपको हम पेपर दिखाने वाले हैं यह वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं लेकिन हमने सिर्फ आपको उसमें जो आपका सही विकल्प है और रिक्त स्थान ही दिखाए थे क्योंकि जब आपका पूरा पेपर नहीं आया था। अब आपका यहाँ पूरा पेपर आ चुका और फुल सॉल्यूशन सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको सही विषय के असली पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट आपको रट लेने में कोई सेम टू सेम यही पेपर आएगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं। तो सही विकल्प पहला आता डाइनर, दरअसल 1971 में किसकी खोज की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा बायरोट की। ठीक है बायरोट की आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता बर्गी का पितामह कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को, लेमार्क को, और फिर आपका आता बेथम बाहुकर को और दाता कैरोलस लिनियस को। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिए बर्गी का पितामह कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ठीक है फिर आपका तीसरा आता पाँच जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गित किया गया है, मोनेरा जगत में, प्रोटेस्टा जगत में, और जीवाणु जगत में, और किसी जगत में नहीं। तो यहाँ पांच जगत वर्गीकरण विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा किसी जगत में नहीं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता मूलरोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं, तो जो आपके मूलरोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं चौथे का रहेगा आपका करेक्ट आंसर बा। ठीक है परिपक्व क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं, पर्णाधार। ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, पाँचवें का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर द, सभी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर आपका छठा आता समांतर श्रेविन्यास पाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका केवल एक बीजपत्री में। ठीक है केवल एक बीजपत्री में, तो आपका यहाँ पर छठे का करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट। पहले का आंसर आपका बायरोट की, फिर से आप यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए, पहले का आंसर आपका बायरोट की, दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर कैरोलस लिनियस, और तीसरे का आंसर आपका किसी भी जगत में नहीं, और चौथे का आंसर रहेगा आपका परिपक्व क्षेत्र में, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला सभी, और छठवें का आंसर रहेगा केवल एक बीजपत्री में। ठीक है चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न टू जो कि आपके आते हैं रिक्त स्थान छः नंबर के। तो पहला था एक बीजपत्री मूल में डॉट डॉट प्रकार के सम्मान बंडल पाए जाते हैं, तो इसमें आपका रहेगा करेक्ट आंसर कितना, इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला जो आपके यहाँ पर दिया एक बीजपत्री मूल में प्रकार के सम्मान बंडल पाए जाते हैं, तो इसमें आपका रहेगा 32 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट आपका यहाँ 32 करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता पौधों में भोजन का परिवहन डॉट डॉट के द्वारा होता है, तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देख लीजिए पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम, ठीक है फ्लोएम द्वारा होता है, तो फ्लोएम आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर, ठीक है आपको फिर से बता रहा है याद दिलाने के लिए। तीसरा आता पौधों में ठीक है जल का परिवहन डोनर के द्वारा होता है, तो इसमें आपका जाएगा जाइलम, ठीक है जाइलम द्वारा आपका यहाँ पर होता परिवहन, ठीक है पौधों में। फिर आपका यहाँ पर आता डॉट डॉट को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है आपको पता ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर। फिर आपका आता है पाँचवा केंद्र की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर केंद्र की खोज की थी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है आपको यहाँ पर लिख देना, पहले तो आपको यहाँ पर लिख देना रॉबर्ट, ठीक है फिर आपको लिखना ब्राउन, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए रॉबर्ट ब्राउन आपका यहाँ पर रहेगा पाँचवें रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, अब जो आपका छठा यहाँ पर रिक्त स्थान आता है, तो छठा रिक्त स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें आपका आ जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोष का अंगक है, तो आपके यहाँ पर छठे रिक्त स्थान में आपके यहाँ पर राइबोसोम आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आते हैं सत्तासत, तो सत्तासत हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहला था पौधों के पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को आप यहाँ पर देखते कटा हुआ थोड़ा, लेकिन आपका पहला यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है पहला सत्य रहने वाला। फिर दूसरा था ऑक्सीजन पैदा वृद्धि रोधी हार्मोन है, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता नारियल के दूध से साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, ये भी सत्य रहेगा। और चौथा आता वैज्ञानिक स्कूंग ने तंबाकू के तने पर कार्य किया, तो ये आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता हीमोग्लोबिन CU तत्व पाया जाता, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता दमा निमोनिया तपेदिक आदि मुख्य रोग है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य सत्य कम हो जाते हैं, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य, पाँचवा असत्य और छठवां सत्य। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं सही जोड़ी, ठीक है सही जोड़ी हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं, ध्यान से देखना पूरा आपका यही सेम टू सेम पेपर मिलने वाला आपको पेपर में। तो पहले आती है प्रोटीन, तो प्रोटीन को आपको मैच करना किससे आपको यहाँ पर बताते हैं, प्रोटीन को मैच करना है आपको यहाँ पर सी से, ठीक है यानी आपको प्रोटीन को मैच कर देना आपको अमीनो अम्ल से।
और दूसरी आती कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को मैच करना आपको कार्बोहाइड्रेटेड। और तीसरी आती सौ दौड़न, तो सौ दौड़न को मैच करना आपको न्यूक्लियोटाइड्स से। और पांचवी आती है आपकी क्लोरोफिल, तो इसे आपको मैग्नीशियम से मैच कर देना। और छठवीं आती है ठीक है, छठवीं आप लेते हैं मारूटोज, तो पांचवीं को मैच करना है आपको यहाँ पर डी से। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर ग्लूकोज से मैच कर देना, तो इस तरह से आपकी हो जाती है सही जोड़ी कम्प्लीट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ली, हमने यहाँ पर सही जोड़ी आपकी कम्प्लीट कर दी है। तो जल्दी से आप यहाँ पर इसकी इंस्टॉल ले सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती हैं। आप चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं आपके आते हैं एक शतवाक महोत्तर। तो पहला आपका यहाँ पर क्या आता, पहला स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितने लीटर मूत्र और शरीर करता है, तो इसका आंसर है 500 मिलीलीटर। ठीक है, 500 ml आप यहाँ पर देख ली, 500 मिलीलीटर। फिर आपका दूसरा आता पित्त रस में उपस्थित पिगमेंट के नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका मार्बी डार्विन। ठीक है, मार्बी डार्विन आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है। तीसरा आता नेफ्रॉन में उपस्थित हेनले लूप किस आकार की रचना है, तो इसका आंसर है बकरी। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर बकरी हो जाएगा। ठीक है, बकरी आकार है। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा रक्त में यूरिया का, आप यहाँ पर देख लीजिए रक्त में यूरिया का एकत्रित होना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा यूरेमिन, यूरेमिन कहलाता है। ठीक है, यूरेमिन, ठीक है, यूरेमिन कहलाता है। अब आपका यहाँ पर आता है मानव का औषधीय पदार्थ क्या होता है, तो मानव का यहाँ पर औषधीय पदार्थ होता है आपका यहाँ पर यूरिया। ठीक है, यूरिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर लिख देना। ठीक है, पाँचवीं का, तो इस तरह से आपके शतभाग मतलब कम्प्लीट हो जाते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट हमने करा दिए, पूरा पेपर डट के जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं छठवां क्वेश्चन, किन्हीं चार महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर आप सजीव को निर्जीव में किस प्रकार अलग कर सकते हैं, अथवा वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, सात माता पर्णविन्यास से आप कैसे समझते हैं, अथवा सरल पत्ती व संयुक्त पत्ती में कोई द्वंद्व लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, तो आपका हो चुका आठवां क्वेश्चन, देख लीजिए एक बीजपत्ति व दो बीजपत्ति तने में कोई द्वंद्व लिखिए, अथवा एक बीजपत्ति व दो बीजपत्ति में कोई द्वंद्व लिखिए। फिर आपका नौवां तक केंद्र के दो काल लिखिए, अथवा था ई आर के दो काल लिखिए। दसवां था प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, अथवा था तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है ग्यारहवां क्वेश्चन, ठीक है, ग्यारहवां क्वेश्चन आता, तो ग्यारहवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, फुफ्फुस सरणवर्णी द्रव के दो काल लिखिए, अथवा था तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, बारहवां क्वेश्चन, ज्वारीय आयतन को परिभाषित कीजिए, अथवा था जैव क्षमता बी सी तथा फेफड़ों की कुल धारिता TLC में दो अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर तीनवा आता सेवालों के तीन प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है, अथवा आता लेबर बर्ट तथा मास में अंतर तीन अंतर लिखिए। चौदहवा आता प्रोकैरियोटिक कोष का नवांचित चित्र बनाइए, अथवा आता हरित लवक की संरचना का काल लिखिए। पंद्रहवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने पर तीन कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा आता प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्री स्टेल का प्रयोग कीजिए। सूर्यमा आता खिलो एवं बंद संबंध तंत्र में अंतर लिखिए, अथवा आता ऐसे नोड को पैसे मेकर क्यों कहते हैं। ठीक है, सत्रहवा क्वेश्चन आता मेढक में औसधन रचनाओं के नाम बकार लिखिए, अथवा आता मेढक में एकृत निहारिका तंत्र या व्यक्तीय निहारिका तंत्र को स्पष्ट कीजिए। आपका अठारहवा क्वेश्चन आता, अठारहवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, किण्वन की क्रिया स्पष्ट करते हुए इसके महत्व लिखिए, अथवा आता स्वयं क्रिया को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों को लिखिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता 20वां, तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है कक्षा 11वीं का यहाँ पर जीव विज्ञान का। और साथ ही हमने सोल्यूशन करा दिया जो आपके यहाँ पर प्रश्न का सोल्यूशन आपका यहाँ 15 मिनट के बाद आने वाला ही चैनल पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें हम पूरा सोल्यूशन करा देंगे A to Z आपके क्वेश्चन 20 तक। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।